हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, काफी दिनों के बाद ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वजह थोड़ा सा मेरी व्यस्तता, अपने दुकान के ऊपर दो थोड़ा सा मतलब काम आ गया हुआ था। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि मेरे दुकान के ऊपरी वाले जो मंजिल है, ऊपर में जो दुकानें हैं वहाँ तक जाने के लिए मेरे दुकान के बाहर से जो है से कि सीढ़ी बनाया गया था ऊपर चढ़ने के लिए। तो कुछ कारणवश उस सीढ़ी को तोड़ना पड़ा। सरकारी आदेश के अनुसार से उसे तोड़ करके अब मेरे मकान मालिक का कहना था कि दुकान के अंदर से सीढ़ी डालें। तो दुकान के अंदर से सीढ़ी डालने के लिए, वो भी ऐसे समय में जहाँ से दशहरा का बिजनेस जो है स्टार्ट होने ही वाला है, तो ऐसे अहम वक्त पे मतलब पूरा रैक वगैरह को निकाल करके साइड में करना और ऊपर का छत वगैरह फोड़वाना, और छत फोड़वाने के बाद में फिर वो मिस्त्री जो सीढ़ी बनाने वाला मिस्त्री है, उस मिस्त्री को भी मतलब ढूंढना मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ काम था। क्योंकि सीजन ही ऐसा है कि लोहे का जो मतलब मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो इंजीनियरिंग का जो काम करते हैं, लोहे का मटेरियल वगैरह का काम करते हैं, ग्रिल वगैरह बनाते हैं, उन लोगों को ढूंढ पाना, उन लोगों के पास इतना सारा काम है मतलब अभी मत पूछिए। काठमांडू में मतलब जो नया मेयर साहब जो आए हुए, उनका निर्देश है कि दुकान के मतलब ऊपर वाले जो मंजिल है वहां तक जाने के लिए आपको अंदर से ही सीढ़ी का व्यवस्था करना है। तो काठमांडू समझ के आइए कितना बड़ा काठमांडू है। तो उस काठमांडू भर में सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया कि अपने दुकान के अंदर से ही सीढ़ी वगैरह डालिए। तो ऐसे में जो इंजीनियरिंग वर्क्स जो करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उन लोगों के पास काम इतना ज़्यादा आ गया था कि कभी यहाँ 1 घंटा खट रहे हैं, कभी वहाँ खट रहे हैं, मतलब उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका था। तो ऐसे में अपना काम जल्दबाजी में करवाने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था उस समय। तो किसी भी तरह मतलब उस मिस्त्री को लाया गया ढूंढ करके, और अपने दुकान में जो सीढ़ी वगैरह है वो डलवा दिया गया है, और ऊपर जाने का रास्ता भी अब क्लियर है। तो ऐन मौके पे मतलब मुझे तो एक वक्त ऐसा लगा कि अब इस साल का दशहरा तो मेरा गया हाथ से, मैं इस साल कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन हमारे मकान मालिक इतने मतलब उस मिस्त्री को प्रेशर दिए कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द बनाइए। तो 3 से 4 दिन में मतलब ये तोड़ फोड़ करके और सीढ़ी वगैरह डालने का काम जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है दशहरा स्टार्ट हुआ। तो मेरे दुकान में इस साल का दशहरा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कह सकते हो उसको, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किए हुए थे उससे भी बढ़ चढ़ करके लोग खरीदारी किए हमारे दुकान में इस साल। और इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला का करिश्मा ही कह सकते हैं। एक तो आपके दुकान में काम भी चल रहा है और अगल बगल से लोग आकर के अपने दुकान में खरीदारी भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इस साल का दशहरा रहा। और इसी दौरान मतलब मुझे बुखार आ गया, इतना ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट हुआ, इतना ज़्यादा मेहनत कर दिए कि मुझे बुखार हो गया। बुखार 2-3 दिन तक मतलब बेड रेस्ट ही करना पड़ा था, दशहरे के टाइम में बेड रेस्ट कर पाना मतलब काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि यहाँ कहीं दुकान में मेरे जो पहचान के कस्टमर हैं, कहीं वो अगर मुझे नहीं देखे तो हो सकता है दुकान से रिटर्न में चले जाए। तो उस बुखार के हालत में भी मैं यहाँ पे आकर के गद्दी पर बैठा हुआ था। अगर मेरे पहचान का कोई कस्टमर आता है तो मैं अपना चेहरा दिखा दूंगा और मम्मी पापा उन सबसे डील कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम नहीं रहते हैं तो फिर कस्टमर जो है वो रिटर्न भी जा सकता है, क्योंकि कपड़ा वाला जो आइटम होता है वो जिनसे पहचान बनी रहती है मतलब कस्टमर का, वो उन्हीं से लेना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ की वजह से मतलब मैं ज़्यादा दिन तक बेड रेस्ट नहीं किया हूँ, वही एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में हम बेड रेस्ट किए। उसके दूसरे दिन मतलब बुखार के हालत में दवाई खा रहे हैं लेकिन फिर भी दुकान पे ड्यूटी दे रहा है। तो यही सब कारण था जिस कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो लेकिन अब ठीक है, अब धीरे धीरे मतलब रिकवर कर चुके हैं। अब आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो लेकर के आना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ऐसे कि अब जो त्यौहार के ऊपर जो मसाला होता है, भाई टीका का मसाला होता है, कलर वगैरह होता है, और डेकोरेशन दीपावली में जो डेकोरेशन के जो फूल वगैरह जो होते हैं उनका होलसेल का वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ। 2-4 दिन लेट सेट में वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे आप मतलब अगर आपके दुकान के आसपास में ऐसा जगह है जहाँ पर के सजा करके उस चीज़ को बेच सकते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेकोरेशन वाला आइटम तो हम नहीं बेचते हैं। उसके अलावा और जो कलर वगैरह होते हैं रंगोली बनाने के समय में जो काम लगता है वो कलर वगैरह मैं बेचता हूँ, और साल पिछले साल भी मैंने बेचा था, इस साल भी मैं बेचूंगा। तो वो सभी आइटम जो है वो मैं खरीदने जाऊंगा उस वक्त, तो वहाँ का वीडियो जो है वो आप लोगों को जरूर से दे दूंगा। तो बस यही जानकारी आप लोगों को देना था। और हाँ, यूट्यूब मैं छोड़ नहीं रहा हूँ भाई, यूट्यूब पर मैं कंटिन्यू बना ही रहूँगा जब तक मतलब कर सकते हैं करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर वो बात की बात है, आगे देखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और काफ़ी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे टॉपिक्स वाले वीडियो आने वाले हैं। नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।